हाय गाइस, मैं मोहम्मद हैदर इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एनएच कॉलेज नबी नगर। मैं आज बीएससी वन और आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसको डिस्कवर करने वाले फार्मर और मुरे थे। इन्होंने 1905 में टर्म मियोसिस को क्वाइन किया। ये दो फेज में होता है, मियोसिस वन मियोसिस टू। मियोसिस वन में फिर डिवीज़न हुआ है, प्रोफेज वन, प्रोफेज मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। प्रोफेज वन को फिर डिवाइड किया गया है क्योंकि यह बड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में यहाँ प्रोफेज वन खत्म होता है। पैकेटिन स्टेज, प्रोफेज वन के पैकेटिन स्टेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेगमेंट के एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि जीन्स का नया सेट तैयार होता है, एक नया जीनोटाइप तैयार होता है, एक रिकम्बिनेंट तैयार होता है इससे। और ये कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में एंड इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज वन है, एनाफेज वन और टेलोफेज वन है। इसके बाद मियोसिस टू स्टार्ट होता है। मियोसिस टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू आते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस के डिवीज़न में प्लांट्स में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एनिमल्स में ग्रुप्स फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होते हैं। इस तरह से एक सेल से चार सेल तैयार होते हैं। एक सेल जो डिप्लॉइड है उससे चार हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं। इस तरह के डिवीज़न जहाँ पर गेमिट फॉर्मेशन होता है वहाँ होता है, जैसे पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन है, एग का फॉर्मेशन है, वहाँ पर इस तरह के डिवीज़न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।